और इस समय हम लोग जा रहे हैं इटावा के रेलवे स्टेशन पर, और अभी औरैया से बस से आए हैं यहाँ पर, और अभी ऑटो पे आ गए हैं। यहाँ से हमारी ट्रेन है 7:20 की, तो अभी यहाँ 15 मिनट का टाइम है, अभी 7:00 में ही, तो टाइम से हैं हम बिल्कुल पहुँचने वाले हैं। भैया अभी हमें सीधा रेलवे स्टेशन ले चल रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग आ गए हैं इटावा के रेलवे स्टेशन पर, और टाइम हुआ है 7:00 में, अभी 10 मिनट कम है, तो रेलवे स्टेशन आ चुके हैं हम लोग। तो अभी पहले हम लोग जा रहे हैं कुछ चाय पियेंगे जाके अभी, क्योंकि सुबह जल्दी निकल आए थे। नीलेश, रेलवे स्टेशन के पास में ही एक घोड़ा चाय वाला है, तो काफ़ी फेमस चाय वाला है यहाँ पर, और अभी टाइम है तो चाय और बन सुबह के लिए ऑर्डर कर दिया है। अभी बताते हैं कैसी है चाय। हाँ, कुछ ट्रेन में भी कुछ जमाल करेंगे अभी वीडियो। मैं ले बिल्कुल फिलहाल चाय आ गई है हमारी। ये एक ब्रेड बन, नीलेश लग पड़े हैं अपने बस शुरुआती रुझान, नीलेश के 7 बजे शुरू हो गए हैं खाने पीने के। फिलहाल चाय तो काफ़ी अच्छी है, तो उसमें वैसे भी चाय पी के नहीं आए थे, तो चाय सब लोग अपने यहाँ पर पीते ही हैं। स्टार्ट कर दिया एक एक बंद। तो फाइनली गाइस हम लोग के स्टेशन पर आ चुके हैं, और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है। तो स्टेशन पर हम लोग अभी फ़िलहाल कर रहे हैं फ़ोटो शूट अपना, और कुछ वीडियो बनाएंगे जो कि मेरे टेलीग्राम कहाँ इंस्टाग्राम वाले चैनल पर दिखेंगे, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। तो हम लोग अभी यहाँ पर C12 पे हैं, और हमारा C1 पर चलना है हमें। तो हम चल रहे हैं अपने डब्बे की तरफ, जहाँ हमारा डब्बा मिलेगा, जहाँ पर रुकेगी ट्रेन, और लोग हमें ऐसे ही देखते जा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं ये लोग। सामने हमारे जो पेट्रोल डीजल वाले ट्रेन खड़ी हुई है, तो उस साइड से चलना है, पर नीलेश को आ रही शर्म, और इसलिए हम लोग इस प्लेटफॉर्म नंबर 3 वाले चल रहे हैं, जबकि हमारे लोगों की प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है और चल रहे हैं अंदर। कौन सी है 10 मिनट लेट थी, और 7:30 पे हम लोग बस ट्रेन पर बैठ रहे हैं, और एकदम शांति। कुछ लोगों ने अपने चार्जर लगा लिए हैं। ये हमारी ट्रेन के टीटी जो कि हमारा टिकट चेक करेंगे अभी ऑनलाइन। तो हम लोग अंदर बैठे थे, तो हमने सोचा क्यों ना ट्रेन के बाहर का नज़ारा भी देख लिया जाए। तो हम लोग आ गए हैं अपने केबिन से बाहर। ये भैया हैं जो केटरिंग की व्यवस्था संभाले हुए हैं यहाँ पर। ये क्या है, किचन। तो शताब्दी ट्रेन के हर एक डिब्बे में ऐसी एक किचन रहती है, इसमें लोगों को खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि अभी
तो हमारी ट्रेन आ गई है दिल्ली और हम लोग पहुंचने वाले हैं दिल्ली बस। ये देखिए दिल्ली की व्यस्त रोड, और फिलहाल ट्रेन रुक चुकी है और ट्रेन इस समय खाली हो चुकी है पूरी। और भैया ये एकदम खुश हैं और हम लोग निकलते हैं। बस हम दो ही लोग फोटोग्राफी के लिए बचे हुए थे तो हम लोग आ गए हैं अभी बाहर, हम निकलते हैं बाहर। तो बहुत गर्मी है एकदम से। फाइनली हम अभी दिल्ली में हैं और ट्रेन से ये लास्ट स्टॉपेज है काफी का यहाँ पर, और हम निकलेंगे कहीं घूमने के लिए, देखते हैं कहाँ चलते हैं अभी। तो इसके बाद हमारा कहाँ घूमने का प्लान है वो आपको मिलेगा हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी करते हैं यही इस ब्लॉग की, तो यहीं करते हैं समाप्त। धन्यवाद।